वर्ड है जो दम तोड़ रहा है। ग्रोवर एंड ग्रोवर की एक बुक है, उसमें वो लिखते हैं, भगत सिंह को एक अंग्रेज ने पूछा, भगत सिंह ये एक ऐसी शख्सियत है, उनसे एक अंग्रेज ने, उन पर मुकदमा चल रहा था, तो भरे कोर्ट में भगत से कहते हैं, दिस पीपल रूल्ड यू फॉर मोर देन 800 ईयर्स, इन्होंने तुम पर 800 साल हुकूमत की, तुमने कभी बम नहीं फेंका, हमें आए 150 साल हुआ है और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह तुमने बम फेंक दिया। भगत सिंह मुस्कुरा के कहते हैं, सर बम में ना छर्रा था ना केमिकल थे, हम आपको मारना नहीं चाहते थे। जज ने कहा, तो फिर बम क्यों फेंका? कहा, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। भगत सिंह से कहा कि 800 साल इन्होंने तुम पे राज किया, कभी बम नहीं फेंका। कहा, सर कैसा राज किया? ऐसा राज किया कि हमारे देश का नाम सोने की चिड़िया पड़ गया। ये सोने की चिड़िया की चहक है जो आपको 7 समुंदर दूर से खींच कर लाई। और 150 साल आपने कैसा राज किया, एक लाइन में बताना चाहूं, और भगत गजब के विद्वान थे। भगत कहते हैं, 150 साल आपने कैसे राज किया, अगर एक लाइन में कहना चाहूं तो आपने एक स्पंज की तरह राज किया। ये स्पंज गंगा के किनारे से हीरे मोती चूस कर ले जाता, और जब इसे थेम्स, लंदन में नदी है, थेम्स के किनारे निचोड़ा जाता तो दौलत बरसने लगती। ये जो दौलत आप यहां से भिगा भिगा कर ले गए हैं, सारे कल कारखाने और औद्योगिक क्रांति उसी से आई। और इन्होंने कैसा राज किया, इन पठानों और मुगलों ने इसे अपना घर बना लिया, इसी की धूल में अपने आप को मिला दिया, और जो पैसा यहां से लिया यहीं खर्च कर दिया। पेज नंबर है 169, बुक का नाम है ग्रोवर एंड ग्रोवर, आप भगत सिंह के इस बयान को वहां पढ़ सकते हैं। वीर सावरकर कहते हैं कि क्या आप जानते हैं 1857 में सबसे बड़ा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो कौन था? वो थे आखिरी मुगल बादशाह, बादशाह बहादुर शाह जफर। वीडी सावरकर लिखते हैं कि मैंने जॉन निकल्सन की किताब से इस चीज को कॉपी किया है कि जॉन निकल्सन ने लिखा कि हमने सवेरे बहादुर शाह पर यह जोर डाला कि आप नाश्ता करिए। बहादुर शाह ने कहा, मुझे हमें खाने की तबीयत महसूस नहीं होती, क्योंकि रात को हमने उनकी आंखों में पॉइजनस ऑइंटमेंट लगाया था। पॉइजनस ऑइंटमेंट लगाने से वो हल्के हल्के नाबीना होना शुरू हो गए थे, क्योंकि इस्लामिक लॉ में एक अंधा इंसान राजा नहीं हो सकता। हमने जोर डाला, नहीं आप नाश्ता करिए, और जब उनके मर्जी के खिलाफ नाश्ता लाया गया तो लाल कलर के मखमल से ढके हुए 3 कटे हुए सर दिए गए, 2 उनके बेटे के थे, 1 उनके पोते का था। ये जुल्म और सितम जब आपने सहा है तो यह टॉपिक उठता कहां से है कि मुसलमानों का जंगे आजादी में क्या योगदान है?